फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। इंटरनेशनल ऑर्डर डे के अवसर पर सहादरा के डीसीपी कार्यालय के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया प्रोग्राम और उनको सम्मानित किया डीसीपी ने। आप देख सकते हैं कि शनिवार की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक सहादरा जिला के डीसीपी कार्यालय के अंदर प्रोग्राम किया गया, जहां डीसीपी आर सात्या सुंदरम ने वरिष्ठ नागरिकों को एक मग देकर उनका स्वागत सम्मान किया। इसके अलावा विभिन्न तरह के प्रोग्राम भी किए गए और आखिरी में एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया, जिसमें बताया कि जो घर में जितने भी वरिष्ठ नागरिक रहते हैं और उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, और जिस घर में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं उनमें जो भी किराएदार रखा जाए तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है, क्या पता कहीं वही बदमाश सुनी। उसी को देखते हुए एक प्रोग्राम रखा गया, जहां आप देख सकते हैं कि दो मियां बीवी एक घर में होते हैं और वो दो किराएदारों को रखते हैं, उनका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, मगर उनको आराम से उनको बंधक बना देते हैं। वहीं इन सीनियर सिटीजन का एक दोस्त होता है, उसे लगता है कि एक परिवार के घर में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, तभी वो पुलिस को लेके जाता है और देखा जाता है कि वह बंधक होते हैं, जहाँ उनको छुड़ा जाता है। ये तमाम चीज़ नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया कि घर में अगर कोई भी जानने वाला नहीं है या जानने वाला भी है, तब भी अगर घर में किराए के रूप में रखते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन सिंह डब्बाल। सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज इनिशिएटिव लिया है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अति सुंदर है और मैं 2-3 साल से लगातार मैं इसमें आ भी रहा हूँ और हर साल जो है अच्छे से अच्छा ही कार्यक्रम होता है और बुजुर्गों के लिए एक तो मनोरंजन हो जाता है, दूसरे उनके समय के लिए समस्याएं सुन ली जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम रहते हैं, उनको सम्मानित भी किया जाता है। क्या नाम है आपका? जीएस गुप्ता। दिल्ली पुलिस के सहयोग किस तरीके से मिल रही है सीनियर सिटीजन? बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे इतना इतना बढ़िया कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा।